इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे लगता है कंटेंट ड्रिवन सिनेमा जो हम लोग हमेशा तलाशते हैं, मुझे उसकी कमी कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री में नज़र आती है। जब भी हमने काम किया था, दिनेश जी के साथ में भी काम किया था, तो हमारे साथ में कई साउथ के डायरेक्टर्स अगर देखेंगे आप तो जुड़े, जिसमें सबसे पहला नाम जो जुड़ा था वो था जीवी गोसंगी सुब्बा राव सर का। और आई वुड से इट इज़ माई प्रिविलेज दैट आई गॉट टू वर्क विथ हिम, बिकॉज सिनेमा की समझ मुझे भी उस वक्त बिल्कुल नहीं थी। मैंने सिर्फ एक टेलीविजन शो किया था और उसके बाद में मेरी दो तीन फिल्में आई थी जिसमें आई हैड वर्क विथ लॉट ऑफ पीपल, बट मुझे टेक्निकली गुड फिल्म्स का एक्सपीरियंस सच में नहीं था जब तक कि मैं इनसे नहीं मिली थी। हमारी मूवी कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गई कि शूटिंग पर हम कई सारी चीज़ें सीखे, लाइक टेक्निकलिटी हुई, या फिर आप कहिए फाइट हुआ, या जितना वेरिएशन डांस में हमको देखने मिलता था वो मुझे लगता है कि हमने इनकी फिल्मों से ही शुरू किया और वहीं से हमारे फिल्म्स ने अलग कलर लेना शुरू किया और हमारी फिल्में लाइक की जाने लगी। अगर आप देखेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है एक अलग उत्थान अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं लाया है तो उसमें साउथ का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा है, इंक्लूडिंग एक्ट्रेस आप बोल सकते हैं। तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी आज भी हमारी हिंदी फिल्में भी देखते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा कंटेंट ड्रिवन कहीं ना कहीं प्रेरित रहती है, या साउथ के टेक्नीशियंस हमारे साथ में जुड़ते हैं तो फिल्में काफ़ी बड़ी बनती है। तो आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मूवी कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गई, और हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद हमने कई सारी फिल्में की, शिवा हुई, निरवा मेल हुई, आखिरी रास्ता हुई, हर फिल्म ने एक नया वेरिएशन दिया और वो फिल्में ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी थिएटर्स में। ऑलमोस्ट हम लोगों की अगर गिरते में फिल्में होती थी वो 5 हफ्ते कम से कम चलती थी, ये नॉइज बड़ा हुआ करता था। तो आई ऑलवेज लाइक दैट काइंड ऑफ सिनेमा वेयर इट इज़ कमर्शियल, क्योंकि लोग हमारे जो है ऑडियंस जो हमारे हैं वो निचले वर्ग के होने के वजह से उनको कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और हमारी थिएटर्स की इतनी कंडीशंस ख़राब होने के बावजूद भी बेचारे थिएटर में एकदम जुटे रहते थे और हमारी फिल्मों को देखते थे। तो मुझे लगता है कि कमर्शियल सिनेमा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम एक थोड़ा सा सोशल मैसेज भी देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये फिल्में हमेशा औरतें भी घर में देख थी, फिल्में हमारी जो चैनल्स पे आती थी, और काफ़ी एंजॉय करती थी क्योंकि उसमें कॉमेडी भी भरपूर होती थी, फाइट भी भरपूर होता था, मनोरंजन भी अच्छा होता था, प्लस गाने और अगर आप टेक्निकलिटी देखेंगे साउंड फिल्में होती थी। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट फिर से एक ऐसा मौका मुझे मिल रहा है इनके साथ में, और मुझे स्क्रिप्ट जब इन्होंने कही तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई। तो मुझे मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे होड़ में फिल्में करनी है, इसके लिए फिल्में नहीं करनी है, कुछ अच्छी स्क्रिप्ट आती है मैं ज़रूर करूँगी। परफॉर्मेंस वाइज कुछ मेरे लिए भी किरदार एक अलग वेरिएशन हो, और उसके अलावा सब लोग एंजॉय भी करें। तो सर ने मुझे एक स्क्रिप्ट बताई और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी वो स्क्रिप्ट, तो मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ा आएगा ये फिल्म से। बाकी जी प्रोड्यूसर नंबर वन के प्रोड्यूसर साउथ से हैं जी, आपके बगल में स्टार कास्ट भी साउथ से हैं, भोजपुरी की स्टार कास्ट भी हैं जी, आप एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो इसमें जो है कुछ साउथ के रिएक्शन के किरदार आप करना चाहेंगे? हमने कई सारी फिल्मों में एक्चुअली किया भी है, मेरी वन ऑफ माय फिल्म जो रही है उसमें हम लोगों ने साउथ का किरदार, मेरा और एक हीरोइन भी हमने साउथ की ली थी, ऐसे भी काफ़ी सारे किरदार हमने निभाए हैं। और बीइंग अ साउथ इंडियन मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं साउथ का किरदार निभाती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि ये फिल्म को हम भोजपुरी में भी बना रहे हैं और तेलुगू में भी बना रहे हैं, बिकॉज तेलुगू एक बहुत ह्यूज मार्केट है। और जब हमने फिल्मों की शुरुआत की थी तो मुझे लगता है तेलुगू में हमने बहुत सारी फिल्में जैसे मगधीरा हुई या इस तरह की फिल्में देखते हम आ रहे थे, और उनको हम देखते देखते भी काफ़ी सारे थॉट्स लेकर हमारी फिल्मों में उनको ढालते थे। कई सारी फिल्में हमको लगती थी कि भोजपुरी का कॉन्सेप्ट लेकर भी वो लोग कर रहे हैं साउथ में, तो बड़ा मिश्रण रहा है। हमारी दोनों इंडस्ट्रीज जो है थोड़ी सी हिंदी सिनेमा से या हॉलीवुड से लाउड होती थी और लोग उसे पसंद करते थे उसके बाद भी। तो मुझे लगता है ये जो फ्लेवर हम अलग अलग देशों मतलब प्रांतों से लेते हैं वो जब एक फिल्म में आता है तो एक फिल्म बहुत पूरक फिल्म बनती है। तो मुझे लगता है ये फिल्म बहुत एंजॉयबल फिल्म रहेगी, आप लोग खूब एंजॉय करेंगे। थैंक यू।
बाकी जी मराठी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही है, भोजपुरी का भी, मराठी फिल्म का स्तर बहुत बढ़ चुका है, अवार्ड्स बड़े बड़े ले चुका है और कमर्शियल बिजनेस भी अच्छा करता है, भोजपुरी में कुछ भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है इसके लिए कई सारे कारण हो सकते हैं और हम किसी एक अंग को दोष नहीं दे सकते हैं। हमारी फिल्में, हमारे जो ऑडियंस है, जो फिल्में देखती है, सबको ध्यान और मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखेंगे तो मोर ऑफ जहां पर हमारी फिल्में दिखाई जाती है वहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट से लेके, महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो आपको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है, फिल्में मल्टीप्लेक्स में कंपल्शन होता है कि रिलीज़ की जाए मल्टीप्लेक्सेस में और वहां पे ऑडियंस जाके देख पाती है। हमारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी फिल्में जो है वो सिंगल थिएटर में दिखाई जाती है, जहां कोई औरतें क्या अच्छे घर के ब्यूरोक्रेट लेवल के लोग जो भोजपुरी फिल्में देखना पसंद करते भी हैं वो भी जा नहीं सकते। हम खुद जाते तो हम हैरान रहते हैं कि किस तरीके से लोग वहाँ बैठते होंगे। तो कहीं ना कहीं थिएटर्स की कंडीशन हुई या सब्सिडी या टैक्सेशन रिबेट हुआ, ये सब चीज़ें जो है वो एक फिल्म को थोड़ा सा बल देती है जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस उसकी वजह से फील की जाती है। और फिर फाइनली प्रोड्यूसर के लिए यही बचता है कि एक आप प्रपोजल बनाइए जिसमें हीरो इनको लीजिए तो आपकी ये रिकवरी हो पाएगी। और कहीं कहीं वो गलत भी नहीं है क्योंकि एक प्रोड्यूसर बेचारा कहीं से पैसे लेकर यहाँ पर आता है, अगर वो निराश होकर चला जाता है, उसको पैसे कमाने नहीं मिलता, वो नेक्स्ट फिल्म बना नहीं पाता। तो अल्टीमेटली ये एक बेसिकली विशेष सर्कल है, तो आप जहाँ से शुरुआत करेंगे अगर आप वहीं पहुँच कर कुछ भी नहीं कमा पाए तो इंसान उससे भी हताश हो जाता है कि क्यों फिल्में वो फिर करें। बाकी जी भोजपुरी फिल्म में अमित जैसे कलाकार काम कर चुके हैं लेकिन हिंदी इंडस्ट्री से जुड़े हर इंसान में वो थॉट नहीं है, कई लोग ऐसे भी हैं जो भोजपुरी कलाकारों को हिंदी फिल्मों से एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट बहुत सैड सा इंसिडेंट रहा अभी हाल ही में। I was attending some kind of award show, I would not like to name it, but एक थोड़ी सी जो हिचक है वो नज़र आती है जब पता चलता है कि वो भोजपुरी एक्ट्रेस है तो कहीं हमारे अवार्ड्स शो को, एंड आई सीरियसली फेल्ट पिटी कि क्या हो रहा है, मतलब हमारी फिल्मों की स्टेटस को इतना दुय्यम दर्जा क्यों दिया जा रहा है। तो आई वुड से इसके लिए एक कलेक्टिव एफर्ट हर एक से होना चाहिए। हमने जब शुरुआत की या हमने जब फिल्मों की फिल्में बनाने की कोशिश की तो हमने एंटरटेनमेंट भी दिया लेकिन दूअर्थी बातों को उतना प्राधान्य नहीं दिया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीज़न है, जबकि हिंदी फिल्में भी बनती है जिसमें आप देखेंगे अंग प्रदर्शन उसमें भी होता है, ऐसा नहीं होता है और उसमें कोई गलत नहीं है। बेसिकली इट इज़ एन एंटरटेनमेंट फील्ड वेयर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप सीन्स करते हैं, तो वो एक डायरेक्टर की एक विजन होती है और आर्टिस्ट जो है वो डायरेक्टर की उस विजन को पूरा करते हैं। लेकिन भोजपुरी भाषा में सबसे ज़्यादा शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उसमें एक दूअर्थी मतलब बहुत गलत तरीके से निकल के कहीं ना कहीं आता है, इसीलिए आज वहाँ रहने वाले ब्यूरोक्रेट लेवल देखेंगे या अच्छे फैमिलीज़ के लोग भी उसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये हमारा अकेले का स्ट्रगल नहीं होगा और मेरे लिए तो ऐसे हो गया था कि आई वॉज नॉट इवन अ भोजपुरी गर्ल, आई एम अ साउथ इंडियन, तो कहीं ना कहीं मैं कर्नाटक से बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र में पली बड़ी जरूर हूँ लेकिन बिलोंग मैं कर्नाटक से करती हूँ, लेकिन वो एक आप जो लेबल बोलते हैं ना उस तरीके से लेबल्ड किया गया है कहीं ना कहीं। सो आई वुड नॉट ब्लेम एनीवन, बट आई वुड जस्ट से कि आर्टिस्ट को आप भाषाओं में या प्रांतों में नहीं बांट सकते हैं। कोई भी आर्टिस्ट हो, वो आज मैं फिल्में कर रही हूँ तो वो मैं कन्नड़ भाषीय फिल्म भी की हूँ, मैं मराठी भी की हूँ, मैं पंजाबी भी की हूँ, मैंने गुजराती, मेरी जो फिल्म थी वो भी गुजराती में रिलीज हो चुकी है, तो मैं कहीं बटी हुई नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुझे कोई मलाल नहीं होता है कि मैं भोजपुरी भाषा में काम करती हूँ, मैंने बहुत अच्छी फिल्में की है और आप जितनी भी फिल्में देखोगे उसमें कोई भी आपको इस तरह का काम नजर नहीं आएगा जिससे कोई शर्म महसूस हो। सो वाई शुड आई फील लेट डाउन, मुझे कोई बुरा नहीं लगता और मैं फख्र महसूस करती हूँ कि भोजपुरी भाषा की वजह से मेरी पहचान है। अगर मैं ये फील कर सकती हूँ तो वहाँ के लोग वहाँ होने के बावजूद भी उस चीज़ को अगर अपने हाथ में उठाएंगे नहीं और उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, इम्पोर्टेंस अपने घर से शुरुआत होता है, अगर माता पिता को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो बाहर भी
उसी तरीके से लोग देखेंगे. सो अल्टीमेटली आपका जो प्यार दुलार होता है भाषा को, वो अपने घर से शुरुआत भी होना जरूरी है. तो कहीं ना कहीं देयर आर लॉट ऑफ शॉर्टकमिंग्स. बाकी म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का म्यूजिक बोल रहे हैं? अभी फिलहाल मैं ट्रैवल करने की वजह से बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिनके साथ में मैं काम कर रही हूँ, उनके साथ में मैंने इतना काम किया है कि मुझे इन पर पूरा भरोसा है. और मेरा ये कन्विक्शन है कि ये अच्छी फिल्में बनाते हैं और इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी हैं. सो आई एम फुल्ली कन्विंस्ड कि इन्होंने अच्छा म्यूज़िक बनाया है. और जब इनका नाम आता है तो मैं स्टोरी को लेकर भी इतनी कन्फ्यूज कभी होती नहीं हूँ. मुझे लगता है कि ओके, मेरे लिए और सबके लिए बहुत अच्छा काम ही होगा. सुपर जी, बाकी के कैरेक्टर क्या हो सकता है सिनेमा में? इसमें याजवल कैसे कहीं तौर से पैर हो गए, फिर रिपीट वो टाइम पर हो गया. बाकी जी के कैसे मैं उनका ऊपर कैसे कहानी लिखे, सीन्स लिखे, कैसे किया, वो सब इतना फिल्म किया, वो सब इसमें है. फिल्म में दो हीरो हैं, किसके बोले बाकी रहेंगी? वो साउथ वाला का साथ में बाकी रहेगी. क्या बात है. ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत टाइम से मैं सिर्फ एक ही बात सुन रही हूँ कि क्यों आप फिल्में नहीं कर रही हैं. तो मैं उनसे यही कहूंगी कि इस साल उनको मेरी 4 से 5 फिल्में दिखेंगी और सभी अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, ना के प्रॉपर मेन लीड हीरोइन. बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे सिनेमा का ये दर्जा यहाँ से उठकर कि हम एक रोमांटिक एंगल और इस तरीके की फिल्में ही बनाएं, इससे अलग कैरेक्टर्स आप अलग अलग रूप देखेंगे. जिसमें ये मैं प्रेरित हूँ कहीं ना कहीं अमित जी जैसे पा टाइप की फिल्में भी करते हैं और कहीं वो एक प्रॉपर लीड करने वाली फिल्में भी करते हैं. तो मुझे लगता है कि हमको सिनेमा के लेवल पे आज ये फिल्मों की जरूरत है जहां पर हम एक बहुत अलग सब्जेक्ट को लेके काम करें, ना कि सिर्फ रोमांटिक फिल्में बने. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस टाइप की फिल्में अब करने जा रही हूँ. सिनेमा में भी गाना आया, हिंदी का एक गाना आपका आया जो बहुत हिट कर रहा है, तो क्या भोजपुरी में गाना गाएंगे? बिल्कुल, अगर हमारे डायरेक्टर सर मेरी आवाज़ से कन्विंस्ड होते हैं तो. हाल ही में तो आवाज़ बहुत बुरी है, लेकिन गाना काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है उसका और ऑलमोस्ट 15 मिलियन क्रॉस कर चुका है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में. सो आई फील हर फील्ड में जिस तरीके से ऑडियंस ने अपनाया है, इसमें भी अपनाया है. सो मैं कोई ग्रेट सिंगर हूँ नहीं, लेकिन उनको लगता है कि कुछ आवाज़ आपकी अलग है. सो अलगाव की वजह से उन्होंने मुझे अप्रोच किया था. उनको थोड़ा सा इलारून वाला फील उसमें मतलब लगा था कि आवाज़ आपकी एक अलग आती है और वो काफ़ी अच्छी लगती है. तो हमेशा म्यूज़िक डायरेक्टर्स को ये मतलब चाहत होती कि अच्छे अलग आवाज़ उनको मिले, ज़्यादा दिन अच्छी आवाज़. सो ऑफर मिला आपको, क्या कहेंगे? जरूर जरूर. अब सोचेंगे जरूर. आपने जब बोला है तो सोचेंगे जरूर सर. आपकी आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी डॉटर भी काफी फेमस हो गई है टिकटॉक पे, जी. उनका वो गाना भी आदमी के साथ, अगर वो इंटरेस्ट शो करती हैं भोजपुरी फिल्म में काम करने का, तो आप अलाउ करेंगे? मेरी तरफ से पूरी छूट है. मैंने कभी रीजन्स को बांधा नहीं है लैंग्वेज से. हम खुद भी साउथ इंडियन है, तो भोजपुरी भी एक लैंग्वेज है, मराठी भी एक लैंग्वेज है. और लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर एनी प्रोग्रेस. मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझे हिंदी फिल्में भी ऑफर हुई थी. देर वॉज सम रीज़न जिसके वजह से मैंने रीजनल लैंग्वेज चूज़ की थी और उसी ने मुझे आज जो पहचान दी है, तो वाई नॉट. और टिकटॉक खुद इन इट सेल्फ भी अगर हम देखेंगे एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है. तो मैंने कोई उसे ना ये लालच दिखाया है, ना ये आमिष दिया है कि मैं बेटा तुमको इस तरीके से लॉन्च करूँगी या उस तरीके से लॉन्च करूँगी. आप लीजिए अपने बेबी स्टेप्स, मेहनत कीजिए और अपने टैलेंट पर आगे बढ़िए. क्योंकि थाली में परोस के अगर सब कुछ मिलेगा तो फिर उनको उस चीज़ की वैल्यूएशन नहीं होगी. तो मुझे लगता है कि एक एक लेवल पर आपको हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझदारी भी आ जाए, लोगों से व्यवहार करने का तरीका भी पता चले और एक सम्माननीय लेवल पे सबसे बात करते हुए आप काम करना भी सीखे, जो कि बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट या एज ए टेक्नीशियन जब आप किसी भी काम को करते हैं. कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हिंदी फिल्म भी है और भोजपुरी के एक दो अच्छे सब्जेक्ट्स मुझे और भी ऑफर हुए हैं जिसमें काफ़ी अच्छे किरदार हैं. और एक टेंटेटिव फिल्म दिनेश जी की भी है
जिस जो बातचीत चल रही है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग गुड सब्जेक्ट्स. थैंक यू.